हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको छोटा सा गार्डन दिखाना चाहती हूँ अपना, जो कि मैंने कुछ मंथ पहले ही सेटअप किया है। उसका मैं आपको हर एक व्यू दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको वो प्लांट दिखाऊंगी जो मैंने अपने घर के अंदर लगाया हुआ है, जिसमें से सबसे पहले ये मेरीगोल्ड का प्लांट है, जिसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है और कुछ टाइम के बाद इसमें फ्लावर आना स्टार्ट होंगे। और सेकेंड में जो मेरा है, ये एक्जोरा का प्लांट है, जिसके सारे बर्ड्स खिल चुके हैं और कुछ टाइम के बाद इसमें फिर से बर्ड्स आएंगे। उसके बाद मेरा ये मनी प्लांट का पौधा है, जिसकी वाइन मैं अपने सीढ़ियों से ऐसे लेकर जा रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे मनी प्लांट की कुछ कटिंग्स लगाई हुई हैं और यहाँ पे मैंने मिर्ची की सीडलिंग लगाई है। उसके बाद मैंने ये अलमांडा की वाइट वाली वैरायटी की कटिंग लगाई थी। उसके बाद ये पिंक वाला फ्लावर है, जिसकी फ्लावरिंग ऐसी होती है, बट ये थोड़ा मुरझा गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रोज़ की कटिंग लगाई थी, ये वाइट वाला रोज़ है जिसमें पत्ती आ गई है और ये मेरा प्लांट अच्छे से ग्रो कर चुका है। उसके बाद ये सदाबहार प्लांट है, जो कि ज़्यादातर लोकल एरिया में अवेलेबल हो जाता है, जो कि बहुत आसानी से लग भी जाता है। उसके बाद ये छोटा वाला फ्लावर है, जिसमें येलो कलर की फ्लावरिंग होती है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग होती है इसमें, कनेर की तरह। और ये मैंने कूलर के नीचे वाले बॉक्स में इसमें लगाया था, पता नहीं इसमें लगा क्यों नहीं। इसमें मैंने कुछ कोरिएंडर लगाया था, एक तुलसी का पौधा लगाया है और एक अच्छे से बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है, जो कि मेरा ये गेंदे का फूल है, जो बहुत बड़ा हो चुका है। उसके बाद ये इसमें भी एक येलो कलर की फ्लावरिंग होती है। ये पौधा भी मैं गार्डन से लेके आई थी। इसमें मैंने दो प्लांट रखा है, एक ये प्लांट है और एक ये प्लांट है। और ये रजनीगंधा का प्लांट है, जिसमें अभी फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं हुई है, कुछ ही पत्ते आए हुए हैं, मैंने कुछ दिन पहले ही इसको लगाया था। उसके बाद ये वाइट लिली का प्लांट है, जो मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया है नर्सरी से ला के, जिसमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हुई है। और ये 10 o'clock फ्लावर है और इसमें मैं दो खीरे के सीड डाली थी, जो कि ग्रो हो चुकी है, मैं उसको ट्रांसफ़र करूँगी। और यहाँ पे मैंने ये रोज़ लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसमें दो फ्लावर ऑलरेडी खिल चुके हैं। और ये तेजपत्ता का प्लांट है, जिसको मैंने अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया है, मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी। और ये सनफ्लावर का पौधा है, जिसको पता नहीं कैसे कीड़े खा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कीड़े भी दिखते नहीं हैं और ये प्लांट ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा, तो मैं दूसरी सीडलिंग डालूँगी फिर। ये मेरा मोगरे का प्लांट है, जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा प्रूनिंग किया हुआ है और इसमें बर्ड्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बर्ड्स आ रहे हैं कहीं कहीं। और ये अगेन एक प्याजी फूल है और एक रजनीगंधा का पौधा है, जो मैंने इसमें डाला हुआ है, इसमें भी फ्लावरिंग नहीं हुई है। ये सारे मेरे स्टार्टिंग स्टेज के ही फ्लावर हैं। ये सब कुछ मैंने 1 month पहले ही सेटअप किया है, इसलिए अभी ये सब कुछ ग्रोइंग स्टेज में है। इसके बाद 2-3 month बाद जैसे ही इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग और अच्छे से होने लगेगी, उसके बाद मैं आपको 2 से 3 महीने बाद इसका बहुत अच्छा अपडेट दूंगी। ये सारे मेरे स्टार्टिंग स्टेज के ही फ्लावर हैं, जिसमें जिसको मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया है, इसलिए ये अभी छोटे छोटे हैं और ग्रोइंग स्टेज में हैं। और ये मेरा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, जो बहुत अभी छोटा है। और ये मैंने इस पॉट में ब्रोकली लगाई हुई है, जो कि बहुत अभी बहुत छोटी छोटी है, आप देख सकते हैं, बारिश हुई है इसलिए इसकी पत्तियों में बारिश की बूंदें हैं। और ये मैंने लगाया है सैलेड लीफ,
जो कि मैंने ये बोरी में भर के लगाया हुआ है। ये सैलेड लीफ है और ये अगेन मेरा ब्रोकली है और ये फिर से मैंने सैलेड लीफ लगाया है। यहाँ भी सैलेड लीफ लगाया है। इसमें मैंने शिमला मिर्च लगाया है, ये भी ये ब्रोकली है, ये भी शिमला मिर्च है, ये भी शिमला मिर्च है। और ये मैंने एक छोटे से प्लांटर में पत्थर चट्टा का प्लांट लगाया हुआ है। और यहाँ पे मैंने रात रानी की कटिंग लगाई है। ये सारे स्टार्टिंग स्टेज के पौधे जो कुछ दिन पहले ही लगाया मैंने, इसलिए बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो पाया है। अगेन मैंने फिर इस बड़े से पॉट में ये अंजीर का प्लांट लगाया है, जो कि इसमें बिल्कुल भी अभी पत्ती वगैरह नहीं आई है। शायद ये मौसम नहीं है अंजीर का, इसलिए शायद इसमें एक भी पत्ती वगैरह नहीं आई है। और फिर इसलिए मैंने इसमें कुछ शिमला मिर्च के पौधे डाल दिए हैं। ये शिमला मिर्च के पौधे हैं, ये ब्रोकली का पौधा है, ठीक है। और ये मैंने पान की कटिंग लगाई थी जो कि जिसमें रूट आ गए हैं, इसलिए फिर उसको मैंने इस पौधे में ट्रांसफ़र कर दिया था। जब शिमला मिर्च को मैं यहाँ से निकाल दूँगी तो पूरे में यहाँ पान की पत्ती से डेकोरेट कर दूँगी, तो यहाँ का लुक बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे मैंने ब्रोकली लगाया हुआ है जो बहुत ही छोटा है। उसके बाद ये मैंने चौरी चौरा का फ्लावरिंग प्लांट लगाया है, जिसमें थोड़ा सा स्पेस था तो मैंने एक प्याज में, घर पे ही प्याज में स्प्राउट निकल आया था, इसलिए मैंने इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद एक वाइन वाला पौधा है जिसमें ऑरेंज कलर की फ्लावरिंग होती है, ये वाइन वाला फ्लावर है। उसके बाद यहाँ पे स्पेस था तो एक मैंने यहाँ पे भी शिमला मिर्च का पौधा लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक छोटे से बोरी में ब्रोकली के दो पौधे लगाए हुए हैं। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च लगाया। एक्चुअली मुझे शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने शिमला मिर्च बहुत सारा लगाया हुआ है। उसके बाद इस हंडी में मैंने दो रोज़ की कटिंग लगाई है और एक वाइट हिबिस्कस की कटिंग लगाई है। एंड उसके बाद ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया है सारा फ्लावर, इसलिए इसमें काफ़ी स्पेस था बाकी के गमलों में भी, इसलिए मैंने इन गमलों में एक एक पौधा वेजिटेबल का लगा दिया। तो इसलिए इसमें भी मैंने ब्रोकली का एक पौधा लगा दिया। और ये एक येलो कलर का रोज़ है जो धूप की वजह से शायद इसका कलर डाउन हो गया है। एंड फ्रेंड्स, मैंने कुछ बैगन की भी सीडलिंग लगाई हुई थी, तो ये सारा बैगन का है, ये तीनों बैगन के हैं। और बीच बीच में मैंने कुछ कुछ मूली की भी सीडलिंग लगा दी है एक एक। उसके बाद अगेन ये फिर से बैगन के तीन प्लांट है और फिर मैंने बीच बीच में मूली डाल दी है। उसके बाद ये यूफोर्बिया का प्लांट है जो मैंने कटिंग से लगाया हुआ है, जो मुझे लगता है ये ग्रो कर जाएगा क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे से ना फ्लावर हैं, आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे से फ्लावर हैं जो कि कुछ टाइम बाद बड़े होने के बाद दिखेगा। और ये फिर मेरा केले का पौधा है, ये छोटा वाला केला है जो बहुत बड़ा नहीं होता और छोटे से पॉट में ही इसकी फ्रूटिंग होती है। इसके अंदर में मैंने एक दो शिमला मिर्च और ब्रोकली लगाया है और ये टमाटर खुद से ही लग गया था, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं। और इसमें एक और बेबी प्लांट है केले का, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मैंने तीन शिमला मिर्च, तीन गमले में शिमला मिर्च लगाया है और बीच बीच में ना मैंने मूली लगा दिया है। ये सारे मूली हैं और ये अगेन ब्रोकली। मैं सब कुछ ट्राई करना चाह रही थी जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, वो सब कुछ मैं लगा रही थी ताकि इजीली मिल जाए। और ये 10 o'clock फ्लावर है ऐसे। एंड उसके बाद ये टमाटर लगाया हुआ है गमले में, इसकी सीडलिंग खुद ही खुद लग गई थी, टमाटर के पौधे अपने से बन गए थे, इसलिए मैंने इनको हटाया नहीं, दो पॉट में टमाटर लगा दिया है। उसके बाद ये शिमला मिर्च है और मूली है। शिमला मिर्च के पत्ते इसमें ख़राब हो रहे हैं,
मुझे उसको देखना पड़ेगा। उसके बाद इस पॉट में मैंने बैंगन लगाया था और बीच बीच में मैंने केले के छिलके फेंक दिए हैं ताकि इसमें थोड़ा सा खाद बनते रहे। उसके बाद मैंने यहाँ पे बीच बीच में एक एक दो दो मूली लगा दी है। उसके बाद फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, ये जो है ये खीरे का प्लांट है, कुकुम्बर, जिसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई है और एक दो कुकुम्बर भी आया हुआ है जो कि बहुत ही छोटा छोटा है तो आपको ठीक से दिख नहीं पाएगा। और ये तोरी की वाइन है जो ऐसे जा रही है। और ये फ्रेंड्स मेरे चीकू का प्लांट है जिसमें फ्लावर आ रहे हैं और शायद अगर चीकू भी फल जाए तो। ये मेरे चीकू का प्लांट है, ये एंड मैंने इसमें बीच बीच में मूली डाल दी थी। ये है मेरे मूली का पौधा जिससे काफी दिन हो गया तो इसमें मूली तैयार हुई है। आपको मैं दिखा रही हूँ, ये है मूली जो आपको दिख रहा होगा। इस तरह से तीन चार मूली तैयार हो गई है, इसलिए मूली मैंने और बीच बीच में डाल दिया ताकि और मूली भी तैयार होते रहे। उसके बाद ये अगेन मेरे ये पत्ती शायद ख़राब हो गई है। ये अगेन मेरे क्यूकम्बर का प्लांट है जिसमें बहुत सारे ब्लैक कलर के छोटे छोटे कीड़े लग गए थे, इस वजह से इसमें फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी हुई बट ये प्लांट बहुत ग्रो नहीं कर पाया, इसलिए इसमें फ्रूटिंग भी नहीं हो पाई बहुत अच्छी। इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं, मैंने सोचा जब ये खुद मर जाएगा तब मैं इसको हटाऊंगी। और ये मैंने अपने ऑरेंज के पॉट में ही इसको लगाया था और ये मेरे ऑरेंज का पॉट है, आपको दिख रहा होगा इसमें ऑरेंज भी है जो कि जब मैं इसको लाई थी तब भी बहुत छोटे छोटे थे बट अब ये बहुत अच्छे ग्रो हो चुके हैं, थोड़े बड़े हो चुके हैं। तो कुछ मंथ के बाद हमको घर से ऑरेंज भी खाने को मिलेंगे। ये है ऑरेंज, एंड ये मेरे नींबू का प्लांट है, ये नींबू का प्लांट है आपको दिख रहा होगा जिसमें दो नींबू भी आया है। ये मेरे नींबू का प्लांट है जिसमें वाइट वाइट ना कीड़े लग गए थे, इसलिए इसमें मैंने ऑर्गेनिक दवाई डाली थी। और ये मैंने बीच बीच में मूली लगाई है, ये आपको नींबू का प्लांट दिख रहा है। इसके बाद मैंने करेले का पौधा डाल दिया था, ये करेला है बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसमें मुझे और लगाना चाहिए था बट मैंने एक ही लगाया था इसमें। ये है मेरे करेले का वाइन जिसमें बहुत सारे फ्लावर हुए थे, अभी तो नहीं दिख रहे हैं बट आपको मैं बर्ड्स दिखा सकती हूँ, इसमें बर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। ये है इसके बर्ड्स, ये सारे ये वाइन इतनी लंबी गई है और ये सारे हैं। तो ये है मेरे छोटे से गार्डन का व्यू कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से मैंने सब कुछ लगाया हुआ है। एंड आई हैव वन मोर प्लांट जो कि मेरे पास ये अंगूर का पौधा है जो कि ब्लैक ग्रेप्स है। ये छोटा सा अंगूर का पौधा है जो कि शायद इसका भी सीजन नहीं है इसलिए बहुत अच्छा ग्रो नहीं हो रहा है। एक्चुअली जब मैं इसको लाई थी तो मैंने इसकी थोड़ी कटिंग कर दी थी, इस वजह से ये बहुत अच्छा ग्रो नहीं हो पाया है। और एक दो यहाँ पे भी मैंने मूली की भी सीडलिंग डाल दी थी। और मैंने यहाँ पे कुछ प्लांटर बनाया है जिसपे मैं मिट्टी खाद डाल करके इसमें प्लांटेशन करूँगी
और इसको मैं सेटअप करूँगी दूसरी जगह पे। ये जो है मैंने नॉर्मल तेल के टीने को पेंट करके इसको बनाया है, और ये बोतल है जो नॉर्मल फैंटा माजा की बोतलें होती है वो है, और ये रसगुल्ले का डब्बा है जो हल्दीराम के पैकेजिंग वाली आती है, और ये बाकी कुछ घर के वेस्ट बर्तन है जो फूट जाते हैं उसको भी मैंने पेंट कर लिया है, और ये ऑयल का कंटेनर है जिसमें मैं आँख और लिप्स बनाती हूँ जो बहुत ही प्यारा लग रहा है, और ये कुछ बॉटल्स हैं। तो आप भी अपने घर में ऐसे वेस्टेज चीज़ों का बॉटल को डेकोरेट करके बहुत अच्छा प्लांटर बना सकते हैं और अपने घर को खूबसूरत लुक दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।